धार जिले में गत दिनों से चर्चित शराब फैक्ट्री में ग्राम कठोरिया बड़ा के ग्रामवासियों ने विजिट करने के बाद कहा कि गांव में सर्वसहमति से निराकरण पर विचार करेंगे। बता दें कि शराब फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर ग्रामीण पिछले लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बदनावर क्षेत्र में वर्तमान में चर्चित बुराली स्थित शराब फैक्ट्री से ग्राम कठोरिया बड़ा में भूमिगत जल प्रदूषण होने के कारण जनता के आरोप को लेकर खबर मध्य प्रदेश की टीम ग्रामीणों को लेकर बुराली स्थित फैक्ट्री में पड़ताल के लिए पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फैक्ट्री की प्रोसेस को देखा एवं अंत में ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदा पानी उनकी भूमि तक नहीं पहुँचे, यही उनकी प्रबंधन से मांग है। ओएसिस डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड बोराली के सामने हम खड़े हैं और आज हम ग्राउंड जीरो से कवरेज करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे ग्राम कठोरिया बड़ा के ग्रामीणों की हर वो एक समस्या जो वो बताना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद रहेंगे, साथ में रहेंगे और हर एक बिंदु पर हम बारीकी से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हर एक पहलू जो वो दिखाना चाहते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ के फैक्ट्री प्रबंधन से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से फैक्ट्री प्रबंधन से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है अथवा नहीं, किस प्रकार से यहाँ के ग्रामीणों की समस्या का निराकरण हो सकता है, किस प्रकार से फैक्ट्री प्रबंधन ग्रामीणों की समस्या को हल करवाने के लिए प्रयासरत है। ग्रामीणों की समस्या को जानेंगे, निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे। हर तरह के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए हम चलते हैं बोराली प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर। वास्तविक हमको दिखा कि यहाँ तालाब से गंदा पानी बह के जो नाला जा रहा है वो हमारे गांव की सीमा में जा रहा है। बजाज साहब जो इंचार्ज जो प्रभारी है वो साथ में थे, उनको बताया हमने, वो बोले कि ये बारिश का पानी है, जबकि वास्तविक वो जो वेस्टेज पानी है फैक्ट्री का वो तालाब से नाले में बिल्कुल हमने देखा है। आगे आगे हम लोग तो परेशान हैं। सर बोल रहे हैं जो प्रभारी हैं यहाँ के कि आपके यहाँ पानी पीने की व्यवस्था हम कर दें। मैंने उनसे बोला कि आज 25 काश्तकार गांव में गहरे ट्यूबवेल लगाए, पानी का स्रोत हमारी आबादी में ही है, हम खेतों में पानी ले गए, उन लोगों के क्या क्या होगा जो जमीकंद फसलें होती है आलू प्याज लहसुन वगैरह वो 50% पैदा होती है इस पानी से, तो वो विकल्प तो आपके पास नहीं है अभी। फिर प्रभारी जो बोले बजाज साहब कि मैं पूरी मिट्टी यहाँ की खुदवा के अलग डलवा दूँगा, रिसाव बिल्कुल बंद कर दूँगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में हम सोचेंगे गाँव वाले। बोराली फैक्ट्री के अंदर कठोरिया बड़ा के एक युवक मौजूद है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर से गंदगी निष्कासित होती है। जानते हैं उनसे कि किस तरीके से यहाँ से गंदगी निकलती है। सर, यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं वो मोटर पंप द्वारा पाइपलाइन द्वारा बाहर पानी छोड़ रहे हैं और ये पानी हमारे गाँवों में गंदा नालों में होते हुए 3-4 गाँव में फैल रहा है। इनको बोला कि मोटर द्वारा छोड़ रहे थे कि हमारे यहाँ गंदा पानी ही नहीं बिल्कुल, और मैं पूरी फैक्ट्री में पीछे घुमाऊँ जो व्यवस्थित पूरी देखी मैंने, पूरा काला पानी है सर शुरू से लेकर लास्ट तक, और सब दूर मोटर पंप लगे हुए हैं इनके और पंप द्वारा बाहर कर रहे हैं पानी है। और आप देख सकते हैं पाइपलाइन जो हमारे दोस्त विक्रम सिंह जी ने पकड़ रखा है वो मोटर का पाइप पानी का पाइप बाहर है, और कल 3 दिन से पानी भरपूर गिर रहा है हमारे इधर, ये जगह देखिए कल ही पानी छोड़ा हुआ है। नहीं तो जब 2006 में इन्होंने मोटर फैक्ट्री बंद कर दी थी खराब पानी की, तो फिर ये जगह इतनी कैसे खराब हो गई ये बताओ हमें। आज 2021 चल रहा है, 12 साल 13 साल 14 साल जो भी हो गए, जगह तो देखिए आप, और अंदर के साइड ले लिया, अंदर के साइड पाइप डले हुए हैं, मोटर डली हुई है, आपको सब दिख जाएगा कि यहाँ से वहाँ से कहाँ से पानी डाल रहे हैं। आगे भी पंप लगे हुए हैं 3-4, हमने सभी का निरीक्षण किया और वीडियो बनाया है, हम सब पत्रकार महोदय को देंगे वो और बताएंगे कि कहाँ कहाँ से पहुँचा रहे हैं। गाँव कठोरे बढ़ा के ग्रामीण जन हमारे साथ हैं, जिनका कहना है मानना है कि बोराली की ओएसिस लिमिटेड कंपनी यहाँ से जहरीला विषैला जल बाहर निकालती है जिससे गांव में प्रदूषण फैलता है। आइए हम यहाँ हमारे साथ मौजूद है लाखन सिंह जी, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इनकी जो समस्या है और क्या कुछ फैक्ट्री के अंदर आने के बाद इन्होंने देखा। हम फैक्ट्री में सब दूर घूम फिर के आ रहे हैं, पूरी ओएसएस फैक्ट्री हमने घूमी है, उसके बाद हम आखिरी पॉइंट पर आ चुके हैं। अब जो ये बोलते हैं कि हमने मोलासिस 2006 में बंद कर दिया था और अभी 15 साल हो गए मोलासिस चल रहा है इनका, आप देख सकते हैं इस नाली के कारण ये यहाँ आ रहा है मोलासिस, यहाँ ये जो मोटर रखी हुई है इस मोटर के कारण इनके तालाबों में पानी नहीं रख रहे हैं, इन मोटर के कारण ये सात जगह में छोड़ रहे हैं दीवार से उधर, वो जो पानी हमारे गांव में उस नाले में होकर कठोरिया में आ रहा है, कठोरिया खेड़ी कनवासा बुलगारा ये बनने के चामले में भी जाके पहुँच रहा है ये पानी। और फैक्ट्री में आने के बाद क्या कुछ पाया आपने? हमने ये पाया कुआ, देख सकते हैं आपके सामने ये कुआ है और उधर भी तालाब है, आगे आपको और दिखाएंगे हम।
वर्तमान में निरीक्षण किया है और पाया है कई तरह के आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसा ग्रामीणों को शंका है कि इसी के कारण प्रदूषण गांव में फैलता है। ये पानी छोड़ रहे हैं इधर, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से पूरा पानी काला आ रहा है और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है जो सब इन तथ्यों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और परख रहे हैं। वही फैक्ट्री के मैनेजर का कहना है कि फैक्ट्री में ऐसा कोई पदार्थ नहीं निकला है जिसका रंग लाल है। ग्रामीणों ने जो काला और लाल रंग पानी में दिखाया है उसे तालाबों में नहीं बहाया गया है। ग्राम कठोड़ा बड़ा के ग्रामीणों की शिकायत है कि बोराली की जो शराब फैक्ट्री है वहां से विषैला जल निकल रहा है। इसी मामले को लेकर हम बोराली फैक्ट्री के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इंचार्ज पांडे जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या किस प्रकार से वो जहरीला जल है अन्यथा अथवा नहीं है। पूरी प्रोसेस जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से वो जल है जो निकलता है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से यहाँ निर्माण होता है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो भी अल्कोहल बनती है वो चावल के से बनती है और उसका जो भी पानी होता है वो लाल नहीं होता है सर। वहाँ से एक पूरी प्रक्रिया के तहत जो है हम उसको जो चावल से वेस्ट निकलता है उसको हम ड्राई करके उसको एज ए पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो कि कैटल फीड के रूप में जाता है और वहाँ से जो पानी निकलता है उसको हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा पानी वेस्टेज जो भी होता है वो वहाँ पे इकट्ठा होता है और वहाँ से ट्रीटमेंट करके उसको हम वापस फिर से उसको जो है यूज में ले लेते हैं। इस प्रक्रिया के तहत फैक्ट्री में कहीं भी कोई भी पानी जो है वो बाहर नहीं जाता है। देखिए सर, जब ग्रामीणों के साथ हम मौके पर थे तो एक काला प्रकार का पानी, गाढ़ा तरल पदार्थ वहाँ पर था, वो किस प्रकार का पानी था? सर वो जो हमारे यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम हैं वो वहाँ पे बरसात का पानी है जिसके हम वहाँ भी जो है उस पानी को भी हम वापस उस अपने प्लांट में इस्तेमाल कर वो कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं। जिसको वो बता रहे थे कि ये कुआं है यहाँ पे पानी लगा हुआ है, वहाँ से भी पानी हम जो है ट्रीटमेंट प्लांट में ले लेते हैं, फिर वो पानी फिर से हम उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल में ले लेते हैं। सर इस प्रकार के जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई प्रदूषित पानी यहाँ से नहीं निकलता है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में यहाँ से कोई प्रदूषित पानी नहीं निकलता है? जी हाँ, ये यहाँ से कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो कि हम प्रदूषित हो और बाहर निकालें, क्योंकि हम सारा का सारा पानी जितना भी इस कंपनी में इस्तेमाल होता है हम उसको जो है ट्रीट करके और उसको जो है वापस से इस्तेमाल में ले लेते हैं। ये फैक्ट्री पूरी तरह से जो है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर चलती है। फैक्ट्री प्रबंधन के अनुसार वहां ग्रामीणों की हर प्रकार से समस्या निराकरण के लिए कटिबद्ध है एवं इस हेतु प्रयास जारी है। पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा कहे गए विकास कार्यों में प्रबंधन ने अपनी भूमिका निभाई है। ओएसिस डिस्टिलरीज लिमिटेड के प्रबंधक अशोक बजाज जी हमारे साथ है, वो बताते हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों की भी सहायता कर सकते हैं और जो समस्या ग्रामीणों को आ रही है उसके निराकरण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं बजाज जी से, क्या क्या उपाय हो सकते हैं सर जिससे ग्रामीणों की समस्या हल हो सके। पहला तो यही कर रहे हैं भी हम पाइपलाइन डलवा देते हैं ताकि पहले पेड़ में पानी स्वच्छ हो जाए उनका। दूसरा, हम जो मिट्टी है वहाँ लगून की या खुदवा के उसको साफ करने का प्रयास करेंगे। ये दो चीज़ें ऐसी है जिससे पानी आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। 12 साल तक पानी वहाँ नहीं आया, अब नीचे से फिर कोई राह मिल गई उनको जिससे पानी उनका ख़राब हुआ है कुछ बोरवेल का, बाकी और तो इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। अपने पूर्व में जब SDM साहब के सामने बैठक हुई थी तो ग्रामीणों की एक मांग थी कि उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसको लेकर आपने एक पहल की थी, क्या पहल की थी? हमने पहल ये करी थी भी पाइपलाइन डलवा देते हैं, जो 10 दिन पाइपलाइन में लगेंगे उस 10 दिन में हम टैंकर की व्यवस्था कर देते हैं, बट वो मानने को तैयार ही नहीं है चीज़ के लिए। आने वाले समय में अगर ग्रामीणों को उनको सहायता देने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए आप तत्पर हैं, ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है, किस स्थिति तक आप ग्रामीणों का सहयोग करने के लिए अग्रसर रहेंगे? जो भी ग्रामीण सारे बैठ के हमारी सहमति साथ में हम भी जाएंगे उस मीटिंग में, जो हो जाएगा निराकरण करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो कि जन भागीदारी से और भी कोई काम कराना चाहेंगे
20 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक के कोई काम कराने चाहेंगे वो जन भागीदारी में हम करवाएंगे, बट वो अभी कोई सुनने को तैयार नहीं है किस चीज़ के लिए। ये अशोक बजाज जी ओएसिस डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड बोराली के प्रबंधक हैं, जो बता रहे हैं कि हर संभव ग्रामीणों की सहायता करने का प्रयास किया जाएगा, जिस तरीके से ग्रामीणों की समस्या का निदान हो सके वो हर संभव प्रयास करने के लिए प्रबंधक बोराली डिस्टिलरीज लिमिटेड के प्रबंधक तत्पर है, तैयार है। ग्राम कठोड़िया बड़ा के ग्रामीणों के साथ हमने ओएसिस डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की विजिट की। विजिट करने के बाद हमने ग्रामीणों की बात को भी समझा, सुना और साथ में फैक्ट्री प्रबंधन की बात को भी सुना। इस और एक और ग्रामीणों का कहना था कि फैक्ट्री से विषैला जल निकल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि हम ग्रामीणों की समस्या निराकरण करने के लिए कटिबद्ध है, हर संभव प्रयास करने को तैयार है। हमने पूर्व में भी SDM बदनावर के सामने ये अपनी बात रख दी थी कि ग्रामीणों के लिए जल व्यवस्था करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और जो भी खर्च आएगा फैक्ट्री प्रबंधन देने को तैयार है। आगे भी कई प्रकार की उन्होंने बात कही है कि जिस प्रकार भी ग्रामीणों की समस्या का निराकरण हो सके हर प्रकार के निराकरण करवाने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन तैयार है। आइए आप देख सकते हैं पूरी खबर। कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों और शराब फैक्ट्री के बीच उत्पन्न हुआ मामला कब तक थमता है। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।